उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहे। बादलों के साथ ही हल्की ठंडी हवाओं से ठंड में इजाफा हो गया। देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, रुड़की, विकासनगर, अल्मोड़ा, रुद्रपुर आदि कई शहरों में तापमान में कमी दर्ज की गई। दो दिन के भीतर तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। सर्दी बढ़ने से लोग मोटे गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। देहरादून में जहां शनिवार को दिन का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं सोमवार को 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रुद्रप्रयाग में दिन में बादल छाए रहे। केदारनाथ और ऊंचे क्षेत्रों में रात को हिमपात होने की उम्मीद है। पर्यटक स्थल चोपता में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवाएं चलने से ठंडक रही। मैदानी जिलों हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा। सोमवार को भी सुबह के वक्त कोहरा दिखाई दिया, जिसका असर रेल और सड़क यातायात पर पड़ रहा है। बात करें कुमाऊं मंडल की, तो यहां ठंड में इजाफा हुआ है। बागेश्वर में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले साल ये 22 और 10 डिग्री सेल्सियस था। कौसानी में अधिकतम तापमान 11 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहा। मुनस्यारी में अधिकतम 11 और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुनस्यारी के पंचाचूली, राजरंभा, हसलिंग, छिपला केदार, मिलम, बोगलियार, कालामुनी आदि में ताजा हिमपात हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।